नमस्कार न्यूज़ में मैं नीलम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। ये गाना है बदकार मूवी का, जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन हम ये मुद्दा और इस गाने की बात लेकर क्यों आए हैं आप जानना चाहते हैं। इस गाने के कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया गया है और इस गाने के जो मालिक हैं हरबंस कोहली जी, राइटर एंड प्रोड्यूसर, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। वो 20 साल से इंडस्ट्री में नहीं थे और अनजान थे इस बात से कि उनके 200 वीडियोस इस गाने के बन चुके हैं। उन्हें ये बात पता भी नहीं थी। उनके दोस्तों ने जब उन्हें बताया, उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस गाने के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई कि इसके कॉपीराइट्स का जो उल्लंघन हुआ है उनका, उन्हें इस गाने का हक दिया जाए। और जानते हैं जो असल मुद्दा है वो है क्या। हरबंस कोहली जी से डायरेक्ट हम बात करेंगे और जानेंगे असली मुद्दा क्या है, असली बातचीत क्या है, ये गाना जो है उसकी सच्चाई जानते हैं। वैसे तो कोहली के बहुत कारनामे हैं, लाइक विराट कोहली एंड मनमोहन सिंह कोहली जी। और आज ये तीसरे कोहली जी से हम बात करते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं और क्या क्या बड़े काम किए हैं। तो जानते हैं सच्चाई क्या है पहले तो इस गाने की, खुद कोहली जी की जबान से। कोहली जी, आप बताइए कि ये जो गाना है और जो आपने आवाज़ उठाई है इस गाने के लिए, आँख से छलका आंसू, तो इस गाने की पहले आप सच्चाई बताएं कि इतने टाइम, इतने समय से आप वंचित क्यों थे इस गाने से कि ये कॉपीराइट्स हो रहे हैं? नहीं, क्या है कि किसी रीज़न से मैं 20 साल पहले इंडस्ट्री छोड़ के चला गया। मैंने 6 फिल्में बनाई थी, दी 6 डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद सत श्री अकाल, ज्ञानी जी और ये बदकार संजीव कुमार के साथ। उसके बाद मैंने 101 डे फिल्म बनाई जिसमें जेबा बख्तियार थी, मगर फिल्म छोड़ के भाग गई। उसमें मेरे को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। तो मैं यार फेडअप था, तो मैं कुछ शांति चाहता था। मैं कुछ समय के लिए मैं विदेश चला गया अपने परिवार के साथ। फिर मैं ऋषिकेश आ गया, तो मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था। मैं तो यहाँ नंदेड़ आया था गुरुद्वारे में। तो मैंने चलो एक दिन के बम्बई चले जाता हूँ। मैं आया तो लोगों ने मुझे कहा, अरे आपके तो कितने वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने, मुझे तो पता नहीं। पता लगा 200 से ज़्यादा वीडियो हैं और इसके राइट्स मैं कंपनी को दे के गया था। उन्होंने आज तक एक पैसे की रॉयल्टी भी नहीं दी। उन्होंने सोचा यार प्रोड्यूसर मरमरा गया होगा। कौन सी कंपनी को दिया था? बहुत बड़ी कंपनी है, उनका नाम है टी सीरीज। बोलने का मतलब नहीं है, बट दैट इज़ द कंपनी जिन्होंने मेरे साथ 84 में एग्रीमेंट किया था कि हम आपको रॉयल्टी देंगे। लेकिन आज की डेट में आई एम सॉरी टू से उन्होंने 10 रुपये भी नहीं दिया। और जिसके ऊपर इतने मतलब रीमिक्स हुए हैं मेरे घर लोग, उषा खन्ना की म्यूजिक डायरेक्टर है। उस समय हमने मद्रास में फिल्म बनाई थी एक शेड्यूल में। संजीव कुमार इसके हीरो थे, सानंद सिंह हीरोइन थी। और मेरी फिल्म का मुहूर्त मुझे गर्व से कहना पड़ता है विलासराव देशमुख जी ने किया था 1 जनवरी 1984 को। तो मैं तो नीलम जी, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला गया था। मैंने बहुत पैसा देखा मगर यहाँ के मन की शांति नहीं थी। तो मैं जाके ऋषिकेश में बैठ गया, मैं तो ओशो से जुड़ गया। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ये जो गाना है कॉपीराइट्स का उल्लंघन जो किया गया है, उसके लिए आप क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं? मैं, मुझे आवाज़ नहीं चाहिए, मुझे पैसे का लालच नहीं है। पर मैंने अपने लॉयर से बात की, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने पास में मुझे हेल्प की। उनका नाम है अशोक सरोगी जी। तो मैंने उनसे कहा, अशोक जी ऐसा हुआ है, तुमने भी लगा कि मेरे साथ बेइंसाफी हुई है, तो उन्होंने कंपनीज को नोटिस दिया है, लेट्स सी क्या होता है। ये मेरे को मेरा पैसा देने, मैं किसी गुरुद्वारे में दान कर दूंगा, अमृतसर में दे दूंगा। तो बेसिकली आप जो भी पैसा मिलता है वो आप दान करना चाहते हैं? मैं कुछ भी करूं, लेकिन इन लोगों को अपना हक नहीं लेने दूंगा। एक सिस्टम है कि आपने प्रोड्यूसर से म्यूज़िक लिया, अब बोलना नहीं चाहिए। उस टाइम गुलशन कुमार जी जिंदा थे, तो मैंने बोला आप मुझे लमसम दे दो, 10-20 लाख रुपए दे दो। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते, हमको रॉयल्टी देंगे। रॉयल्टी का एग्रीमेंट बनाया और उसके बाद किसी ने पैसा नहीं दिया। आज ये करोड़ों की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनीज हैं। मुझे किसी के खिलाफ कोई पर्सनल नहीं है, मुझे ये कहना है कि इस सिस्टम को चेंज करिए। उनको प्रोड्यूसर कैसे फिल्म बनाता है, क्या करता है, इसी से मैं तो इंडस्ट्री को जयराम जी के करके चला गया था। तो अभी आप इंडस्ट्री में वापस आना चाहते हैं? मैं अभी, मेरा मन है, एक कहानी है मेरे मन में जो मैंने ऋषिकेश में लिखी है, इसका नाम है वेलकम टू इंडिया। इसमें मैंने सिर्फ ये कहने की कोशिश की है कि आज तक आपने देखा होगा कि दुनिया वेस्ट की तरफ भागती है, सब पश्चिम की तरफ भागते हैं, 10-10 लाख रुपए वीज़ा लेके भी दे जाते हैं। मगर आपको ये बात नहीं पता, मैंने अपने आश्रम में देखा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कोरिया से, जापान से लोग आते हैं योगा के लिए।
और उनको इतनी शांति मिलती है वहाँ के, तो मुझे भी उसी जगह पे शांति मिली है। और ये जो मैंने मेरी फिल्म का जन्म है ऋषिकेश में ही हुआ है। तो मैंने कहानी लिखी लेकिन ये नहीं मुझे पता था बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो बेसिकली आप अपने इंडिया, अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी मूवी के? बिल्कुल, मैं अपने भारत को और अपने गुरु जी को मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि दे के कि उनसे बड़ा फिल्म मेकर इस दुनिया में नहीं है, एनीबॉडी, कोई भारत वारत नहीं है, भारत सिर्फ मनोज कुमार है, उपकार का भारत, पूरा पश्चिम का भारत और क्रांति का भारत। जैसा कि आप ये इतना मशहूर गाना लेकर आए, हमारी इंडस्ट्री को दिया आपने इतना मशहूर गाना, इतनी अच्छी मूवी आपने दी, तो ऐसा ही कुछ गाना या कुछ और ऐसा इंटरेस्टिंग जो आगे तक चले, सालों साल चले, ऐसा कुछ लाना चाहते हैं? क्यों नहीं, ये सारे गाने मेरे हैं, अभी मैंने शुरू कर दिया है, मैं खुद इसके रीमिक्स बना रहा हूँ। मेरे 3 गाने हो चुके हैं, योगी आई लव यू, ये गाना और एक और गाना। तो बेसिकली सारे गाने मैं रिकॉर्ड करूँगा, मुझे म्यूज़िक की सेंस है, भगवान ने दिया है, थोड़ा सा सेंस है, नहीं होती तो गाने इतने चलते। अभी कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे ऑफ़र आया है वहाँ के सबसे बड़े स्टूडियो का, रामा राव जी का, फिल्म सिटी में, कि आप हमारे यहाँ आके शूट करिए। तो शाम की फ्लाइट से मैं जा रहा हूँ, कल मैं हैदराबाद में रहूँगा, फिर मैं मद्रास जा रहा हूँ, क्योंकि पहली फिल्म मैंने बदकार जो थी उसकी लैब मद्रास में थी, मेरा बैनर भी वहाँ से था, सेंसर भी मैंने वहाँ से कराई थी। तो एक दिन मद्रास जाके वापस आऊँगा, फिर पता नहीं जाके फिर अपने आश्रम में चला जाऊँगा। मेरा तो अपना आश्रम है, उसका नाम है गुरु रामदास आश्रम। गुरु रामदास वो थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल बनाया, तो मैं उनका ही हूँ, जहाँ हमारा आज भी लंगर है, 1,25,000 लोग खाना खाते हैं फ्री। तो इसमें से कुछ कमाई मैं वहाँ दूंगा ना, लाखों लोग खाएंगे, ये लोग क्यों खाएं जी, उनके पास तो ऑलरेडी है। तो मुझे कोई लड़ना वड़ना नहीं है, अब मुझे ये फिल्म बनानी है और इसकी शूटिंग ऋषिकेश में करूँगा। ये मूवी फ्लोर पे कब तक आ रही है? होपफुली मैं सोच रहा हूँ कि जून में इसको, जैसे मैंने बदकार बनाई थी 28 दिनों में, जून में इस फिल्म को 3 वीक में ख़त्म कर दूँ। एक फिल्म बनी थी मेरे गुरु जी की, पूर्व और पश्चिम, ऐसी फिल्म बन नहीं सकती, लोगों ने उस फिल्म की नकल की, नमस्ते लंदन ये वो, लेकिन उनको छू भी नहीं सकता कोई मनोज कुमार। उसका म्यूज़िक आज भी है, भारत का रहने वाला हूँ, कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, समझे? तो जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, मेरे अंदर इतनी सी सीख है, बुद्धि है, उन्हीं की देन है, क्योंकि उनकी ही संगत में रहा हूँ। शुरू में आया जब इंडस्ट्री में, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी दी सिक्स, मनोज जी को दिखाई, उन्होंने कहा जा दुनिया में राज करेगा, और वाकई मैंने राज किया एक डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद उन्हीं के सेट पे मुझे प्रेमनाथ से मेरी भेंट हो गई, तो प्रेमनाथ को मैंने पगड़ी पहना के दी, क्योंकि वो सिख का करेक्टर था। प्रेमनाथ में से इतने मुतासिर, बोले क्या करना चाहता है? मैंने बोला फिल्म बनाऊँगा। उन्होंने बना फिल्म, मैंने चंडीगढ़ में फिल्म बनाई, उस फिल्म में सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, जाहिरा, और आपको एक बड़ी बात कहूँ, अमरीश पुरी को पहला पंजाबी में चांस देने वाला मैं आदमी था इस फिल्म में। वो 500 रुपये रोज पे अमरीश पुरी ने मेरे साथ काम किया, तो वो फिल्म मैंने बनाई, उसका हिंदी में भी टाइटल है ज्ञानी जी, और ये सब फिल्में यूट्यूब के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो अभी नया ट्रेंड चला है हमारी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट एंड प्रोडक्शंस को लेके, तो उसके लिए आप क्या हमारी इंडस्ट्री को एक ऐसा संदेश? मुझे तो आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन में नहीं हुए, पर मुझे लग रहा है कि जो उस टाइम का फिल्म मेकिंग बहुत इजी था हम लोगों के लिए। फिल्में पैसे से नहीं बनती थी, रिश्तों से। आज गेम उल्टा हो गया, अब तो 20 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो भैया ये अभी ज़्यादा गैम्बल बन गया है, फिल्म मेकिंग नहीं है। आप प्रपोजल बनाओ, जितना बड़ा स्टार लो उनको करोड़ों रुपये दो। तो मैं तो इस सिस्टम में नहीं आना चाहता, मैं तो छोटी सी फिल्म बनाऊँगा, और ये पंजाबी में बनाऊँगा, हिंदी में बनाऊँगा, इंग्लिश में बनाऊंगा नेटफ्लिक्स के लिए, और साउथ की सब भाषाओं में इसको डब करेंगे।